हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि है लहसुन की चटनी। तो फ्रेंड्स, लहसुन की चटनी आजकल सर्दियों में ही खाई जाती है क्योंकि ये गर्म भी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है। लहसुन के छिलके उतार के इसको मैंने पहले से ही रख लिया है। यहाँ मैंने 3 से 4 साबुत लाल मिर्च ली है। यहाँ मैंने लिया धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च कम खाते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हम चटनी बना लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ईजी होती है, ये मिनटों में ही बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन, उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और उसके बाद इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चें तोड़ के। ये इसकी डंडियां इस तरह से निकाल देंगे और इसी तरह से हम इसमें मिर्चें डाल, और फ्रेंड्स साथ में ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि जो हमारा ये जो हम इसकी चटनी बनाएंगे अच्छी तरह से पिस जाए, इसमें ऐसे खड़े खड़ी ना रहे जो हमने मसाले डाले हैं, लहसुन और जो लाल मिर्च है वो अच्छी तरह से इसमें पिस जाए। तो चलिए फ्रेंड, इसको आप ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसमें हम सरसों के तेल का और जीरे का तड़का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तेल को तेज़ गरम करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा कब डालेंगे, जैसे एकदम तेज़ गरम हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा तेज़ भी अगर हम जीरा डालेंगे तो हमारा जीरा जल जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, तेल में से धुआं आने लगा है, इसका मतलब जो हमारा तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम गैस को थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे सिम, और या हम कर लेंगे इसको बंद, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लो। और तेल को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि जब हम इसमें जीरा डालें तो जीरे का कलर ज़्यादा ब्राउन ना आए, ठीक ठीक ब्राउन, यानी वो ज़्यादा जले ना। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल यहाँ हल्का अब ठंडा हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने लहसुन के साथ चटनी का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम थोड़ी देर अब पकाएंगे। हमने फ्रेंड्स ये तब तक पका रहे हैं जब तक चटनी अपना, जैसे इसमें साइडों में तेल ना आ जाए या जैसे ऊपर हल्की हल्की जाली बन जाए, हम इसको तब तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी यहाँ लगा सकते हैं ताकि जो हमारी चटनी है वो अच्छी तरह से पक जाए। पकने से फ्रेंड्स क्या है, जो लहसुन का जो फ्लेवर है, यानी वो कच्चा कच्चा नहीं लगेगा, उसका टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। और फ्रेंड्स, चटनी आप ये ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ गैस को हल्का सा हम सिम कर लेंगे। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसका साइडों में हल्का हल्का तेल आने लगा है और ऊपर से एक जाली बनने लगी है। फ्रेंड्स, आपको इसमें जो इसका कलर दिखाई दे रहा होगा
आपको थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा बट इसका कलर रेड है। इसमें एक्स्ट्रा कलर के लिए कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हमने लाल मिर्च दोनों तरह की यूज़ की है। तो ये देखिए ये हल्की हल्की थिक होने लगा है और ये तेल भी छोड़ने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी चटनी है वो हल्की हल्की तैयार होने लगी है। अगर हम इसे एकदम तेज़ गैस पे तैयार करेंगे तो ये पक तो जाएगी लेकिन जो हमें फ्लेवर चाहिए वो इसमें नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको हम सिम गैस पे पकाएंगे इस तरह से। तो आप देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे तभी आपको इस चीज़ का पता लगेगा फ्रेंड्स। आप इसे ट्राई करके और एक बार खा के ज़रूर देखिएगा, ये खाने में वाकई में बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं चटनी में साइडों में ऑयल आ चुका है और हमारी चटनी कितनी रिड्यूस हो चुकी है। तो चटनी अब बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मज़ेदार सी लहसुन की चटनी बनकर तैयार है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।